ओके प्रतीक एंड आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल बिग बॉलीवुड स्पाई। ओके तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी मैं, डांस दीवाने शो की जर्नी कैसी रही आप लोगों की? So to be very honest, thank you so much for having us here. And जब डांस दीवाने जर्नी की बात करें तो हमने शुरुआत की थी कुछ 15 कंटेस्टेंट्स के साथ, 3 मास्टर्स के साथ, और इंडिविजुअली हम सबको मिले थे हमारे कंटेस्टेंट्स 5-5, और हमारी गैंग में थे आदित्य, प्रतीक, ऑल स्टार ऑप्स क्रू, सी कंपनी, अर्नव, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। आई मीन 2-3 हफ्ते एवरीबडी वॉज परफॉर्मिंग दिया बेस्ट। आदित्य ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज दिए हैं तब से लेके अब तक, और फाइनल्स में भी मेरी गैंग से 2 जन थे, आदित्य और प्रतीक भी हम थे, तो तभी हमने था कि हम फाइनल्स तक आ गए, तो हमारी जीत वही तक थी कि हाँ चलो जो कुछ भी हो जाए रिजल्ट्स हम देख लेंगे, बट हम फाइनल्स में आ गए, हम जीत चुके ऑलरेडी। बट ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनता इतना ज़्यादा प्यार देगी, इतना ज़्यादा वोट्स देंगे और इतना आशीर्वाद देंगे स्पेशली आदित्य को। एंड येस, द चेरी ऑन द केक वॉज दैट कि आदित्य ने ये अवार्ड रिसीव किया भी है, ये ट्रॉफी रिसीव की भी है, तो वो भी आमिर खान सर से। सो इट्स लाइक समथिंग वुड आई वुड नेवर ड्रीम ऑल्सो अबाउट इट। आई डोंट नो कि आदित्य इतना छोटा था, पता भी हो कि आमिर खान सर कितने ज़्यादा वैल्यू करते, ही वॉज लाइक इनोसेंट बेबी, थैंक यू सर, वो ट्रॉफी लेके आ भी गया था। बट इट वॉज समथिंग फॉर अ लाइफ टाइम टू रिमेंबर, टू गेट दैट कैश प्राइज एंड टू गेट द ट्रॉफी बाय आमिर खान सर। सबसे ज्यादा शो में आपको क्या याद रहेगा? मैं स्टेज को बहुत मिस करूंगा। और दूसरा क्या है, आप कैसी जो चीज है जो आपको हमेशा आपको याद रहेगी अब तक? मैं मेमोरीज हूँ, मैं साथ में रहूंगा ना आपके, साथ में कार होगे, मतलब साथ में रहूंगा ना, मतलब कनेक्टेड रहूंगा ना, फोन पे कनेक्टेड। और जजेस को बहुत मिस करूंगा और मेरे दोस्तों को भी, जैसे ऑल स्टार्स हो गए, जैसे हमारे टीम के पूरे जन हो गए, जैसे अर्णव भैया, प्रतीक भैया, सी कंपनी, ऑप्स क्रू, सबको मिस करूंगा। एक नहीं काफी सारे एक्ट स्पेशल होंगे, स्पेशली जो जो एक्ट मैंने आदित्य के साथ परफॉर्म किए वो स्पेशल रहेंगे, चाहे वो शिवजी के साथ डमरू हो, या शायद चाहे वो उनके दादाजी की स्टोरी दिखाना हो, या चाहे वो हम साथ एक प्रॉप के साथ कर लिया हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ में किए, या फिर और एक एक्ट था जो आदित्य ने परमदीप के साथ किया था, जो जस्ट क्लोजर टू द फिनाले, जिसके बेसिस पे वोट्स आने वाले भी थे, आई थिंक वो आदित्य का वन ऑफ द बेस्ट एक्ट भी रहा है। तो आई थिंक जहाँ तक कि एक्ट्स की बात हो, आदित्य ने एक से बढ़कर एक अनएक्सेप्शनल एक्ट दिए हैं। बट येस, एज आदित्य ने बोला कि उसके एक्ट दादाजी का फेवरेट है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं एक अलग कनेक्ट इससे जुड़ चुका है, तो वो दादाजी वाला एक्ट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेट था। बहुत मस्ती की थी क्योंकि हमारे सोफा ऐसे होते थे ना, जैसे मर्जी सर नोरा मैम की मस्ती वैसे उन दोनों की भी है। अच्छा, जैसे हमारे सोफा ऐसे होते थे जहाँ कैप्टन तुषार होता था, कैप्टन सोनाली और फिर कैप्टन प्रतीक का सोफा होता था, तो जब अभी फिनाली आया था तो हमेशा करण सर बैठते थे बीच में, बट तेजस्वी मैम आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए, आदित्य और प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए, तो बाजू में बैठे हुए थे, तो करण का बेस्ट थिंग था कि वो जहाँ पे जो सोफा था उसका पूरे शो में जहाँ बैठे थे वो शूट वाले दिन कल के दिन बिल्कुल वहाँ नहीं दिखे, वो डायरेक्ट घूमते हुए ऊपर तक आते थे, तेजस्वी के साथ बात करते थे, वापस घूम के जाते थे नीचे। आई थिंक दैट लव एंड दैट कनेक्ट इज व्हाट द स्टेज एनर्जी वाज यस्टरडे, बिकॉज उनका प्यार और उनका कनेक्ट इन बच्चों के लिए था, इसी के लिए वो शो में भी आए थे कि वो सपोर्ट कर पाए आदि और प्रतीक को। ओके,
मेरे लिए शो का मोमेंट यही था, सेम ऐसा ही था एक्चुअली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने दोनों को बोल दिया था कि मेरी टीम से दो जन थे, उनको दोनों को बोल दिया था कि चाहे जो कोई भी जीते आप दोनों मेरे लिए विनर्स हो, बट इट्स जस्ट द थिंग अबाउट द टाइटल, क्योंकि उन्होंने सबके दिल जीते हैं, तब जाके दोनों जन आज फाइनल्स में खड़े थे. लेकिन वो जब मोमेंट अनाउंस हो रहा था, मोर देन एनी थिंग स्टेज में बाजू में नीतू मैम थे, मर्जी सर थे और ऑफकोर्स हमारे सर थे, ऐसा चाहिए था कि या ये पर यहाँ रुक जाए या इसको जस्ट खत्म करो, वी डोंट वांट टू टेक दैट प्रेशर. एंड आई थिंक आदित्य ने बोथ ऑफ फिंगर्स क्रॉस, आदित्य वाज लुकिंग डाउन मी विद जस्ट प्रेइंग, द मिनट द नेम वाज अनाउंस आई थिंक ही वाज ऑन माय हेड एंड लाइक ये वी डिड इट करके, इट वाज समथिंग वर्थ लिविंग फॉर लाइफ टाइम. ओके आदित्य आप बताओ, यू नो सॉरी, प्रतीक के साथ की आपकी जर्नी कैसी रही है, कितना मिस करने वाले हो आप प्रतीक सर को? मैं प्रतीक सर को भी बहुत मिस करने वाला हूँ. वो मतलब कैसे सिखाते थे, कैसे प्यार से मतलब बातें करते थे, और जो भी मतलब चीज़ नहीं आती थी जो मतलब अच्छे से सिखाते थे, एकदम प्यार से सिखाते थे, वो चीज़ मतलब मेरे को आ गई ना तो फिर वो मतलब हमेशा प्यार करते थे. मैं मेरी और आदि दोनों की तरफ से कहूँगा ये टैग आप ही ने दिया, ये आपका ही है, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग दिस बॉय लिव हिज ड्रीम्स, मेकिंग दिस बॉय लिव हिज ग्रैंडफादर्स ड्रीम्स एंड मेकिंग दिस बॉय लिव हिज मदर्स ड्रीम. जिस शहर से वो आते हैं वो बहुत छोटा है, बट उस छोटे शहर में इतने बड़े सपने लेकर आप अगर यहाँ पे आए हो और आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद कभी सपने पूरे नहीं होते. तो थैंक यू सो मच कि इन सपनों को आपने सहारा, इतना वोट्स दिया और आदित्य को जीता है. आपने मेरा सपना ही नहीं, मेरे दादाजी का सपना पूरा किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.